Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ Saturn Transit 2020 के बारे में, यानी 24th of Jan 2020 को Saturn Transit हो रहा है Capricorn sign में, और फिर ये 29th अप्रैल 2022 तक सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन साइन में ही रहेगा, यानी मकर राशि में रहेगा. और मकर जो राशि है वो सैटर्न का अपना घर है. मकर राशि यानी कैप्रिकॉन सैटर्न का अपना घर माना जाता है. और सैटर्न को जैसे आप जानते हैं, सैटर्न रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, बाउंड्री सिस्टम, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. और कैप्रिकॉन जो साइन है वो सिस्टम को बनाने वाला साइन है, यानी जो भी हम सिस्टम को फॉलो करते हैं उसका संबंध कैप्रिकॉन से है. कैप्रिकॉन यानी हमारा जो भी सामाजिक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है, जिस कानून के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है, जिस सिस्टम के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है, वो कैप्रिकॉन साइन है, यानी मकर राशि है. तो शनि और मकर दोनों का स्वभाव बहुत सेम है, बिकॉज वो शनि का अपना घर है और शनि वहां पर कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि जो शनि को चाहिए वो मकर राशि उसको प्रोवाइड करती है. तो शनि जब मकर में आएगा, यानी कैप्रिकॉन साइन में आएगा, तो यहां पर शनि का बल जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. और अगर हम 12 राशियों की अगर बात करते हैं, 12 लग्न की अगर हम बात करते हैं, तो शनि का जो गोचर है वो अलग अलग घरों को अफेक्ट करेगा, यानी आपकी लाइफ के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको शनि अफेक्ट कर सकता है. और ये जो गोचर है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है. इससे पहले शनि जो है वो केतु के साथ था, तो लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि शनि जिस घर का लॉर्ड है और अगर वो केतु के साथ है और अपने से 12th अवे अगर बैठा था, यानी शनि अगर कैप्रिकॉन साइन का अगर लॉर्ड है तो सैटर्न कहाँ था, 9th हाउस में. इसी तरीके से सैटर्न अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, कैप्रिकॉन साइन अगर आपके फर्स्ट हाउस में थी, तो सैटर्न अभी तक कहाँ था, 12th हाउस में, और वो भी केतु के साथ. तो हर चीज़ का लॉस हो रहा था, बिजनेस का लॉस हो रहा था और पार्टनरशिप का लॉस हो रहा था, घर के सुख का नुकसान हो रहा था. और आपने इस 2-2.5 साल के पीरियड के अंदर देखा होगा कि लोगों का जीना हराम हो गया, पैसे को लेके, सुख को लेके, काम धंधे को लेके, बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. और अभी जो हाल में एक पंगा हुआ था, यानी वकीलों का और पुलिस का जो पंगा था, वो क्यों था, वो इसीलिए था कि सैटर्न जो है वो केतु के साथ था. तो हर इंसान अपने सिस्टम को भूल चुका था, हर इंसान इन चीज़ों को भूल चुका था कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से कानून का पालन करना है, किस सिस्टम में हमें ढलना है, कैसे हमें चलना है. ये सारी चीज़ें अभी बिगड़ चुकी थी. तो अभी कर्म जो है वो गलत तरीके से हो रहा था, लेकिन सैटर्न जैसे ही कैप्रिकॉन में आएगा तो नए कानून, नई सोच, नई व्यवस्था, नया सिस्टम, ये सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होने वाली है. अब अगर हम एरीज राशि की अगर बात करते हैं, यानी मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, अब इसमें राशि और लगन, राशि के हिसाब से देखो या लगन के हिसाब से देखो, बट मैं अभी जो बताने वाला हूं मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, एरीज राशि, राइट, मेष राशि, तो आप उसको समझ लेना कि मैं राशि और लगन दोनों के हिसाब से आपको बता रहा हूं. तो एरीज राशि यानी एक नंबर साइन एरीज, एरीज को हिंदी में मेष बोलते हैं. एरीज जो राशि है उसके लिए सैटर्न कैप्रिकॉन साइन यहां पर पड़ता है आपके 10th हाउस में. 10th हाउस, ये 10th हाउस भी है और 10 नंबर जो है वो कैप्रिकॉन साइन का नंबर माना जाता है. तो सैटर्न जो है वो यहां पर आएगा, यानी अपने ऑन हाउस में, तो कुंडली में बनेगा शशयोग, शशयोग यानी राजयोग. तो इस टाइम आप कोई भी काम धंधा करते हैं,
व्यापार करते हैं उन सब चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी, कैरियर में बढ़ोतरी होगी और आप बहुत मेहनत करके काम करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सोशल विजिबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक ड्यूटी बढ़ेगी और जो आपकी रेपुटेशन है उसमें भी ग्रोथ होगी, यानी आपको लोग आपके काम से पहचानेंगे। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अभी सैटर्न की, जो होने जा रही है 24 जनवरी 2020 को। अगर इससे पहले अगर आपको नुकसान हुआ था, सामाजिक वैल्यू गिरी थी, आप पॉलिटिक्स में थे, नुकसान हुआ, आपने कुछ बिजनेस किया, नुकसान हुआ, नुकसान की वजह यह थी कि सैटर्न जो इससे पहले कहां था, 9th हाउस में था, यानी 10th हाउस की चीजों का लॉस हो रहा था। 10th हाउस से 12th अवे सैटर्न था और वो भी केतु के साथ, तो नुकसान तो होना ही था। लेकिन अब जो टाइम है वो बहुत अच्छा आने वाला है, अब आपको सारी चीजें मिलने वाली है। टॉरस की अगर हम बात करते हैं, टॉरस साइन की अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर टॉरस साइन, राइट। तो टॉरस की अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न का ट्रांजिट होगा यहां पर, यहां पर सैटर्न आएगा, इससे पहले सैटर्न यहां था। तो टॉरस राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, 9th हाउस का संबंध है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से, 9th हाउस का संबंध है हमारे बिलीफ से, हमारे धर्मा से, 9th हाउस का संबंध है हमारी हायर एजुकेशन से और जो भी हमारा हायर बिलीफ है गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, उन सब चीजों में तरक्की मिलने वाली है, यानी वो सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से अब ठीक होने वाली हैं। अगर आप किसी धर्म के पंगे में थे तो जो पंगा है अब ठीक होगा और कानून का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी और आप अपने धर्म की चीजों को, अपने बिलीफ की चीजों को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, सिस्टम से कर पाएंगे। और अगर आप कोई हायर एजुकेशन ज्वाइन करना चाह रहे थे, लाइक जैसे डिग्री डिप्लोमा कोर्स अगर करना चाह रहे थे, कहीं बाहर जाना चाह रहे थे अपनी पढ़ाई के चक्कर में और बाहर जाने का योग प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा था, बन इसलिए नहीं पा रहा था कि 9th हाउस का लॉर्ड हमें से 12th अवे था और वो भी केतु के साथ, तो कुंडली में बन रहा था भाग्य भंग योग। अब भाग्य का जो स्वामी है वो 9th हाउस में ही आ गया तो यहां पर भाग्य की पूरी सपोर्ट मिलेगी। फिर यहां से सैटर्न अपने 3rd एस्पेक्ट से 11th हाउस को देखेगा, गेन के लिए प्रयास करोगे, 3rd हाउस को देखेगा, डेली के काम में तरक्की आएगी, बढ़ोतरी होगी, एफर्ट्स लगाओगे आप। सैटर्न का एस्पेक्ट यहां से 6th हाउस में पड़ेगा, यानी जॉब, काम धंधा, डेली का काम, इन सब चीजों में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो 9th हाउस में अगर सैटर्न आ रहा है तो ये आपके भाग्य बल को बढ़ाएगा और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई हायर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। 3 नंबर राशि यानी जेमिनी मिथुन, मिथुन के लिए सैटर्न का ट्रांजिट होगा आपके 8th हाउस में, 10 नंबर के ऊपर। इससे पहले सैटर्न था 7th हाउस में, तो 8th हाउस में सैटर्न अपने ऑन साइन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी सरकारी विभाग में अगर आप काम करने के शौकीन हैं, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां चीजों को बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है, लाइक जैसे ETS हो गया, रॉ हो गया और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, अगर ऐसे किसी डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं या आप ऐसी जगह अगर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और कोई भी रिसर्च अगर कर रहे थे, अभी तक वो रिसर्च अगर आपकी फेल हो रही थी, आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दे के काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी का कोई पंगा था, आपकी संपत्ति थी, आपके मदर फादर की संपत्ति थी, अभी तक नहीं मिल पा रही थी, झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, अब उसके मिलने के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई रिलेशन बिगड़ रहा था, सिस्टम बिगड़ रहा था, तो वो सिस्टम जो है उसके भी ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन खाली ये नहीं है कि गोचर अगर ठीक है तो आपकी कुंडली ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि कुंडली में कौन सा योग बना हुआ है
और क्या दशा चल रही है। अगर दशा भी अगर आपके फेवर में है और गोचर भी अगर आपके फेवर में है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। कैंसर राशि की अगर हम बात करते हैं, यानी कर्क राशि, 4 नंबर साइन कर्क, कैंसर, यहां पर सैटर्न जो है यहां पर आ रहा है आपके 7th हाउस में। इससे पहले सैटर्न था 6th हाउस में, बहुत ही बुरा टाइम था। पार्टनरशिप का नुकसान हो रहा था, मैरिज का नुकसान हो रहा था, यूनियनशिप का नुकसान हो रहा था, बिजनेस का नुकसान हो रहा था, हर चीज का नुकसान हो रहा था। अब आपको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज यहाँ सैटर्न जो है 7th हाउस में अपने ऑन साइन में है, कुंडली में शशि योग बन रहा है। पार्टनरशिप के थ्रू गेन, बिजनेस के थ्रू गेन, मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहां से सैटर्न अपने 3rd एस्पेक्ट से देख रहा है 9th हाउस को, धार्मिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है, विदेश जाने के प्रति आपकी इच्छा बढ़ सकती है। यहां से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा 4th हाउस में, घर की चीजों में सुधार आएगा, नया घर बना सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। यहां से सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके लगन पर, तो आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आने वाला है। इस पीरियड में आप बहुत मेहनत करेंगे जिसके कारण बहुत तरक्की आपको मिलने वाली है। तो सैटर्न का योग बहुत अच्छा है, गोचर बहुत अच्छा होगा 7th हाउस में, आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में, मैरिज में बेनिफिट मिल सकता है। और अगर हम लियो राशि की अगर हम बात करते हैं, लियो 5 नंबर साइन, लियो लगना, लियो राशि यानी सिंह राशि, सिंह लगन, तो इसके लिए सैटर्न जो है आपके 6th हाउस से गोचर करेगा। इससे पहले सैटर्न कहां था, 5th हाउस में, यानी 6th हाउस की चीजों का लॉस हो रहा था। अब 6th हाउस में सैटर्न अपने ऑन साइन में आ रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो उसमें जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जज का फैसला आपके हिसाब से हो सकता है बिकॉज सैटर्न यहां पर अपने ऑन साइन में आ रहा है, तो कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। 6ठे घर का स्वामी अगर 6ठे घर में हो तो कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। बुरी परिस्थितियों से निकल के इंसान बाहर आता है और उसको जीत मिलती है। 6ठा घर है रोग, ऋण, शत्रु का, झगड़े का, और शनि अगर 6ठे घर में आ रहा है, ऋण और शत्रु का नाश करेगा। डेली के काम में सुधार आएगा, डेली के काम में बड़ी मेहनत करोगे आप, तो उसके कारण आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो योग बन रहा है शनि का, अपने ऑन साइन में आ रहा है, सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए तो टाइम बहुत अच्छा है। सैटर्न का यहां से एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 8th हाउस में, सीक्रेट चीजों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया, सीक्रेट नॉलेज हो गई। सैटर्न का यहां से 7th एस्पेक्ट बढ़ता है 12th हाउस में, ज्ञान और आध्यात्म की चीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसके लिए प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, विदेश जाने के भी योग बनते हैं। फिर यहां से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है 3rd हाउस में पड़ने वाला है। 3rd हाउस का संबंध है कम्युनिकेशन से, मीडिया से, टेलीफिल्म से, अगर किसी ऐसे फील्ड में अगर जुड़े हुए हैं तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आपका जो एफर्ट्स है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वर्गो यानी कन्या, कन्या की अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न का ट्रांजिट होगा आपके 5th हाउस में, कैप्रिकॉर्न साइन में। इससे पहले सैटर्न कहां था, 4th हाउस में, 5th हाउस की चीजों का लॉस हो रहा था। तो 5th हाउस में अगर सैटर्न आ रहा है तो क्रिएटिव चीजों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सैटर्न का ट्रांजिट का मतलब है कि आप सिस्टम को फॉलो करोगे, सिस्टम को लेके आओगे, सिस्टम को पकड़ के काम करोगे। पहले जो बहुत सारे लोग
कई बार आपने देखा होगा कि लोग काम करते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, आपने भी करा होगा। लेकिन अब सैटर्न जो है वो आपको एक सिस्टम के अंदर ढालने वाला है। पॉलिटिकल चीजों में अगर इन्वॉल्व थे तो अब सुधार के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, उनकी एजुकेशन के लिए प्रॉपर तरीके से उनके लिए आप ये प्रयास करेंगे कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, सही टाइम से उनकी फीस भर दी जाए, किसी अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया जाए। तो इन सब चीजों में आप कार्यरत हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है अपने ऑन साइन में आ रहा है, तो फिफ्थ हाउस की चीजों को सैटर्न अपने सिस्टम में ढाल सकता है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, 7 नंबर तुला राशि यानी लिब्रा साइन, सैटर्न का गोचर होगा 4th हाउस में कैप्रिकॉन साइन में। यहां पर सैटर्न घर के अंदर सिस्टम को लेके आएगा, घर के अंदर आप कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई तरीका, अपना कोई ना कोई सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें घर का रखरखाव हो गया, घर की चीजों का देखभाल करना हो गया, घर बनाना हो गया, गाड़ी खरीदना हो गया, और सुख से संबंध जो भी चीजें हैं उसको आप एक सिस्टम में लेके आएंगे। घर टूटा फूटा था, अभी तक नहीं बन पा रहा था, कहीं पर दीवार झड़ रही थी, कहीं पर आसमान झड़ रहा था। आसमान मतलब छत के ऊपर आपने देखा होगा कि जो घर पुराना हो जाता है तो फिर बारिश के साथ पानी गिरने लगता है, तो उन सब चीजों को आप सिस्टमेटिक तरीके से अभी ठीक करने वाले हैं। नया घर बना सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं और घर के सिस्टम को ठीक करने वाले हैं। और अगर आप किसी लोकल गवर्नमेंट में अगर हैं एज ए पुलिस पर्सन, तो आप उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी तक अगर कुछ गलत कर रहे थे तो अब आप सिस्टम में आने वाले, अब आप सिस्टम को पकड़ के काम करोगे। देखना, शनि जब कैप्रिकॉन साइन में आएगा तो हर इंसान अपने सिस्टम को पकड़ लेगा, क्योंकि शनि जो है और कैप्रिकॉन साइन जो है वो इंसान को सिखाता है कि इंसान को कर्म कैसे करना है। लोकल गवर्नमेंट के लिए कर्म, अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं तो इस टाइम जो आप काम करेंगे आगे चल के उन चीजों की तारीफ होने वाली है। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, 8 नंबर साइन वृश्चिक राशि, तो सैटर्न का गोचर होगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस का संबंध है मीटिंग से, आपके शेड्यूल से, प्लानिंग से, और जो भी आप अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं उसका संबंध 3rd हाउस से है। 3rd हाउस का संबंध हमारे छोटे भाई बहनों से है, और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं हमारे कोलीग्स, उनका संबंध भी 3rd हाउस से है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को और डेली के काम को, डेली की प्लानिंग को और आपके कम्युनिकेशन को। तो सिस्टम, अगर मैं बोल रहा हूं सिस्टम, तो सैटर्न अगर 3rd हाउस में आ रहा है तो 3rd हाउस की चीजों को प्रॉपर तरीके से आप करेंगे। किसी से मिलना है टाइम से मिलने जाओगे, किसी से बात करनी है टाइम से बात करोगे, ऑफिस के काम को सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, लोगों से सिस्टमेटिक तरीके से बात करोगे, और डेली का जो भी आपका काम है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है पब्लिक के साथ, उसको एक सिस्टम में आप लेके आएंगे। भाई बहनों के साथ अगर आपके संबंध अगर बिगड़ रहे थे तो यहाँ अब आप कोशिश करने वाले हैं कि उनके साथ जो आपके संबंध हैं वो प्रॉपर तरीके से हों, संबंध आपके ठीक हों, तो अच्छा योग है। और इस पीरियड में आप एफर्ट्स बहुत लगाएंगे, बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करेंगे, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। सेजी की अगर हम बात करते हैं, सेजी नंबर यानी 9 नंबर सेजिटेरियस साइन धनु राशि, सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है आपके 2nd हाउस में। फैमिली वैल्यू और वेल्थ के घर में सैटर्न आ रहा है,
तो सेविंग के प्रति आप बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाले हैं। इस पीरियड में फालतू जो खर्चे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, सेविंग की तरफ आप प्रॉपर ध्यान देंगे कि किस तरीके से मैं अपने पैसे को सेव करूं, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली वैल्यू को ऊपर लेके जाऊं, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली को एक सिस्टम में लेके आऊं, और मैं क्या करूं जिससे मेरी फैमिली वैल्यू और मेरी सेविंग बढ़े। तो बहुत अच्छा योग है। तो यहां अगर सैटर्न आ रहा है तो ये आपकी सेविंग को बढ़ाएगा, सेविंग के लिए आप अपना दिमाग यूज करेंगे और कर्म करेंगे और उससे आपको आपके परिवार को फायदा मिल सकता है। कैप्रिकॉन अगर राशि की अगर हम बात करते हैं, यानी 10 नंबर कैप्रिकॉन साइन मकर राशि, सैटर्न अपने ऑन साइन में और वो भी फर्स्ट हाउस में, लगन का लॉर्ड लगन में, यानी लग्नेश जो है वो लगन में स्थित है, बहुत अच्छा योग है। और यहां पर शनि अगर अपने ऑन साइन में है तो कुंडली में शशयोग बन रहा है, शशयोग यानी राजयोग जो आपको नाम और फेम देगा। और इस टाइम जो भी आप काम करेंगे 2-2.5 साल के अंदर उसका रिवॉर्ड आपको आगे चल के जरूर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ग्यारह नंबर राशि की, यानी कुंभ की, कुंभ यानी एक्वेरियस, एक्वेरियस राशि की अगर हम बात करते हैं, यानी कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं या कुंभ एसेंडेंट की बात करते हैं, तो सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में सैटर्न आएगा, तो 12th हाउस में अगर सैटर्न आएगा और राशि आपकी कुंभ है तो कुंडली के अंदर साढ़े सती आपकी स्टार्ट होने वाली है। यहां पर कुंडली में आपके साढ़े सती लग जाएगी, बिकॉज मून से 12th अवे सैटर्न होगा। यानी अगर आपकी राशि अगर कुंभ है तो आपकी साढ़े सती स्टार्ट होने वाली है। इसी तरीके से किसी भी राशि के ऊपर अगर सैटर्न 12th हाउस में होता है और मून के साथ होता है, अगर फर्स्ट हाउस में होता है, लाइक जैसे अगर आपकी राशि कुंभ है और सैटर्न अगर कुंभ राशि में अगर आता है तो साढ़े सती का सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट होता है, यानी 2.5 साल यहां और 2.5 साल यहां। तो जो भी आपकी राशि है उससे 12th अवे अगर सैटर्न का गोचर हो रहा है, या राशि के लॉर्ड के साथ अगर सैटर्न का गोचर हो रहा है, या राशि से सेकंड अवे अगर सैटर्न का गोचर हो रहा है, तो आप साढ़े सती के पीरियड के अंदर से निकल रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर 12th हाउस में सैटर्न जो है कैप्रिकॉन साइन में आया, साढ़े सती लगा, लेकिन सैटर्न यहां पर अपने ऑन साइन में है और ये जो राशि है आपकी लगन, इसका लॉर्ड भी सैटर्न है, तो यहां पर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इस पीरियड में अगर आप कहीं बाहर जाके होना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, जॉब करें हैं, और अभी तक आप बाहर सेटल नहीं हो पा रहे थे, बहुत दिनों से प्रॉपर तरीके से काम नहीं मिल पा रहा था और वहां की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आपकी मदद नहीं कर रही थी, कोई सिस्टम नहीं बन रहा था, रहने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा था, काम करने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा था, तो अब वो सिस्टम आपका बनने वाला है। अब आप अपने काम के अंदर सिस्टम लेके आएंगे और बाहर की गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अब अगर हम बात करते हैं पाइसिस की, पाइसिस यानी 12 नंबर पाइसिस राशि या मीन राशि, मीन लगन, तो इसके लिए सैटर्न का गोचर होगा आपके 11th हाउस में। यहां पर सैटर्न आएगा, गेन के घर में सैटर्न आ रहा है, बहुत ही अच्छा योग, सोसाइटी के थ्रू गेन, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपकी सोसाइटी है और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसके थ्रू गेन अभी आपको मिल सकता है। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड में थे जहां पर आप लोगों के साथ जुड़ के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सिस्टम नहीं बन रहा था, सिस्टम ना बनने के कारण प्रॉपर तरीके से इनकम नहीं हो पा रही थी,
क्योंकि इससे पहले आप पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व थे, टेंथ हाउस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि सैटर्न कहां था, टेंथ हाउस में, वो भी केतु के साथ। तो पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व थे और उसके कारण नुकसान भी हुआ होगा, बिजनेस का नुकसान भी हुआ होगा। और उस पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण, पब्लिक ड्यूटी के कारण, सामाजिक वैल्यू, सामाजिक बनाने के कारण इनकम का लॉस हो रहा था, इनकम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। अब जो आपकी इनकम है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। और कम्युनिटी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो अभी आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, काम को सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, एक स्ट्रक्चर के अंदर ढाल के करेंगे, टाइम के हिसाब से करेंगे, और उसके कारण आपको आगे चल के तरक्की मिल सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया शनि के ट्रांजिट के बारे में, जो होने जा रहा है 24 जैन 2020 को और 29 अप्रैल 2022 तक सैटर्न जो है कैप्रिकॉन साइन में रहेगा। और ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में अगर आप मेहनत करते हैं और टाइम से काम करते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो शनि आपको बहुत कुछ देके जाएगा और काफी आपको गेन हो सकता है। तो अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ जानना है शनि के गोचर के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।